हो गया, सदर हो गया, टावर हो गया, हर तरह, इवन के लियारी और चीन चौक, हर जगह की मैं आपको अपडेट दे रहा होता हूँ। और अगर आपको अपडेट चाहिए किसी भी जगह पे, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि आपको मेरे मोहल्ले का बताओ यार, मेरे मोहल्ले का एरिया का क्या अपडेट है, वहाँ की रोड बनी नहीं बनी, गटर फैली खुली हुई है क्या है, तो आपको सब अपडेट दूंगा अपने चैनल पे, कि ये चैनल मेरा नहीं, चैनल आप सब लोगों का है। अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो भाई हाजिर है। इवन कि अगर आपको किसी करियर काउंसलिंग के हवाले से कोई किसी टॉपिक पर बात करनी है तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। हर जुबान पर बात करने को तैयार हूँ, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, सिंधी थोड़ी थोड़ी हम बात कर सकते हैं, पश्तो पर भी बात कर सकते हैं, हिंदी भी बात कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी है कि मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करूँ करियर काउंसलिंग के हवाले से, वीज़ा रिलेटेड चीज़ों के बारे से, चाहे कराची की अपडेट हो, चाहे ट्रैवल हैक्स हो, टिप्स हो, तो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अपने इस चैनल पे। इवन किया मैंने आपको बोला था कि इंशाल्लाह ताला मैं जो आजकल बिजली का बिल आ रहा है उस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कि कैसे आप अपने बिल का जो 50% है वो कैसे कम कर सकते हैं। ये पहले मैंने अपने ऊपर आजमाया, आजमाने के बाद दैन फिर मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें पता चली थी किस तरह आप अपने बिल को कम कर सकते हैं। तो मैंने पहले उसको वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा पहले मैं अपने आप पे इंप्लीमेंट करूँ, अगर तो मुझसे 30% भी कम हो जाए तो क्यों मैं आप लोग को ना बताऊँ, कि वो मैंने आजमाया हुआ है तो मैं आजमा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं लाइव भी बताऊँगा, इस पर वीडियो भी बनाऊँगा, तो उस पर हम चिट चैट करते रहेंगे और बताता रहूँगा कि किस तरह आप कर सकते हैं और किस तरह आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो करीमाबाद की अगर बात करूँ तो वजह मैंने बताया यहाँ का सराफा, मैंने आपको बताया यहाँ की फूड स्ट्रीट। तो यहाँ एक और ख़ास बात है करीमाबाद की, वो ये है कि आपको पता है कि कराची में बहुत सारे बाज़ार हैं, जिसमें जोड़िया बाज़ार है, बोल्टर मार्केट है, सदर है, अली मार्केट है, खड्डा मार्केट है, खारादर है, और अनारकली बाज़ार, प्लास्टिक बाज़ार है, बोतल मार्केट है, बोतल गली है, कच्ची गली है। तो हर मार्केट का जो मिक्सर है, हर मार्केट की एक जो कह लें कि बेस है और जो मिक्सर है, वो आपको मिलेगा करीमाबाद की मार्केट में। जी जनाब, करीमाबाद की मार्केट एक वो वाहिद मार्केट है कि आपको यहाँ कम दामों में बार्गेनिंग के साथ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें हर चीज़ें शामिल हैं, केमिकल जिसमें शामिल हैं, सर्फ जिसमें शामिल हैं, क्रॉकरी ग्रॉसरी और कन्फेक्शनरी के आइटम होल सेल रेट पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, ये सब आपको होल सेल रेट पे मिलती हैं। जाय नमाजें हो गई, तस्बीह हो गई, मिसवाकें हो गई, प्लास्टिक की थैलियाँ हो गई, यहाँ बात करें तो उसमें यहाँ की कन्फेक्शनरी है, यहाँ की क्रॉकरी है, यहाँ मेहंदी कौन है, यहाँ कॉस्मेटिक का सामान है, यहाँ मर्दाना जाना बचकाना कपड़े हैं, यहाँ स्टेशनरी का आइटम है, यहाँ आपको मिलेगा स्पोर्ट्स का आइटम, यहाँ आपको मिलेगा पेंटिंग पेनाफ्लेक्स का आइटम, यहाँ आपको मिलेगा यूवी यूआई वाले सारे मामला, इवन कि आपको यहाँ स्टैम्प्स शील्ड्स और किताबें उसकी कॉपियों के कवर, आपको सब चीज़ें मिलती हैं अच्छे और सस्ते दामों में। और ख़ास बात कराची की करीब बात की है कि आप यहाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप बार्गेनिंग करेंगे तो वो बढ़ा देंगे, नहीं, आप बार्गेनिंग करें। यहाँ आपको फल हो गए, यहाँ आपको हो गए सब्जियाँ, यहाँ आपको मिलेंगी मटन चिकन मीट और अपना बीफ, ये आइटम सारे मिलेंगे अच्छे दामों में और आप इनको बार्गेनिंग करके चीज़ें ले सकते हैं। इवन कि अंडे और अंडे के अलावा दूध दही आपको हर चीज़ मिल जाती है कराची के करीमाबाद में, आपको हर चीज़ मिलेगी, बस ढूंढने वाला हो। कोशिश करें करीमाबाद के अगर मार्केट आते हैं तो आप गाड़ी पार्क करें इस ब्रिज के नीचे, करीमाबाद के ब्रिज के नीचे पार्किंग करें, जो यहाँ के DC हैं उन्होंने यहाँ की पार्किंग सब फ्री की हुई है, आप गाड़ी पार्क करें, गाड़ी पार्क करके एक बंदे को बिठाएं या बंदा होता है आपकी खाली करने वाले, उसे 20-30 रुपये दें आप, वो पार्किंग माफिया नहीं है, वो ऐसे ही बंदा है, उसको आप बताएं और निकल जाए ऐसे वॉक करते हुए, आप मीना बाजार के पीछे वॉक करें, पूरा एक्सप्लोर करें, आपको हर चीज़ अच्छे और सस्ते दामों में मिलेगी। और खेलने लेके घर से आएँ और ये माना आपको बहुत अच्छी और सस्ती चीज़ें मिलेंगी, चाहे सब्ज़ी हो चाहे से फल, हर चीज़ मिलती है आपको अच्छे दामों में। इवन कि अगर आप यहाँ के पतारों की बात करें, मीना बाज़ार की पतारों में बच्चों की आपके ज्वेलरी हो गई, बच्चों की आपके हेयरबैंड हो गए, बच्चों की आपके क्लिप्स हो गए, बच्चों के अंडर गारमेंट्स हो गए, बच्चों की बेल्ट हो गई, बच्चों की सॉक्स हो गए, हर चीज़ यहाँ मिलती है बड़े सस्ते और अच्छे दामों में। इवन कि कराची की दूसरी जो दुपट्टा गली है वो आपको कराची की करीमाबाद के सामने फैसल गली, फैसल बाज़ार की गली में मिलेगी, जो कि कराची की दूसरी बड़ी दुपट्टा गली है। पहली दुपट्टा गली है अरहमबाग की, दूसरी दुपट्टा गली है कराची की करीमाबाद की है। यहाँ आपको डेकोरेशन सामान अच्छा मिलता है, यहाँ आपको पेंटिंग का सामान, पेनाफ्लेक्स का सामान, यहाँ आपको जो शादी कार्ड है वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। उनके डेकोरेशन का सामान है, इसमें मेहंदी का आइटम है, मेहंदी के अलावा शेंडी का आइटम है, सब चीज़ें आपको मिलती हैं अच्छे और सस्ते दामों में। तो ये है कराची के करीमाबाद जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अपने चैनल पर, और ये अपडेट और ये